हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप कुछ अलग तरीके का स्नैक्स बनाकर खाना चाहते हैं चाय के साथ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए फिर फटाफट हम तैयार कर लेते हैं इसे। इस स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोहा। पोहा को हमने दरदरा पीस लिया है और इसे हम इस आधा कटोरी हम डाल देते हैं। और इसी के समान हमने लिया है साबूदाना, उसे भी हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोटे कटोरी से एक कटोरी पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारा पोहा और साबूदाना दोनों ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी और पानी। हम अपने ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे हमारा पोहा और साबूदाना दोनों ही फूल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम साबूदानों को चेक कर लेंगे और पोहा को देखिए इस तरीके से बिल्कुल हमारे साबूदाना और पोहा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हम लेंगे 3 चम्मच। 2 चम्मच हमने डाल दिया, 1 चम्मच और डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटे हुए 1, शिमला मिर्च डालेंगे रेड कलर का 1/2 हमने कट करके इसके अंदर डाल दिया है, और हरी वाली शिमला मिर्च भी इसके अंदर डालेंगे 1/2। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बॉईल किया हुआ आलू है जिसे हमने मोटे साइज में हमने कट कर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डालेंगे। आलू को हम मैश नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। मसालों में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप और भी इसके अंदर मिर्ची ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से बिल्कुल थोड़ा सा कम है। गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से डालेंगे जीरा 1 चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और अब हम इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। इसे बिल्कुल हम इसका डो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इसको इसी तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसका हम डो नहीं तैयार करेंगे। और इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। हम इसे बॉल के शेप में बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। दूसरा पीस भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से हमने सभी बॉल्स बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम लेंगे एक पैन, पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही हमारा पैन जो है गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर बड़े चम्मच से 2 चम्मच, और एक और चम्मच हमने लिया है यानी 3 चम्मच। 3 चम्मच हमने लिया है इसके अंदर ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, जो हमने बॉल्स हमने तैयार कर रखा है उसे हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं। और इसे हम सेल फ्राई कर लेंगे सभी बॉल्स को। जैसे ही बॉल्स हमारे नीचे से हल्के से फ्राई हो जाएंगे, हम इन्हें पलट लेंगे। एक एक करके सभी बॉल्स को हम पलट लेंगे। बॉल्स को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, बाहर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से ये पक जाए। उसके बाद ही हम बॉल्स को निकालेंगे। और यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप चाय के साथ सुबह या शाम किसी भी टाइम में आप इसे बनाकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।